दोस्तों आईपीएल का बेहद ही रोमांचक मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि आज मुकाबले से पहले ही बारिश का आगमन हो गया था, जिसके चलते मुकाबला आज काफी देरी से शुरू हुआ। आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उनका यह फैसला इतना शानदार साबित हुआ है, जिसके चलते आज कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पावर प्ले में ही कोलकाता नाइट राइडर्स के 3 विकेट गिर चुके थे। दोस्तों आपको बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से ओपनिंग करने आते हैं जेसन रॉय और लिटन दास। जेसन रॉय ने तो आज कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से लड़ाई लड़ी है, लेकिन उसके साथ ही किसी भी बल्लेबाज ने कुछ खासा प्रदर्शन नहीं करा। जी हाँ दोस्तों, बल्लेबाज आते रहे और पवेलियन जाते रहे, कुछ ऐसा हाल रहा है आज कोलकाता नाइट राइडर्स की बल्लेबाजी का। दोस्तों आपको बता दें कि लिटन दास, इन्होंने 4 गेंदों में 4 रन, इन्हें मुकेश कुमार ने ललित यादव के हाथों कैच आउट कर पवेलियन की राह दिखाई। वहीं उनके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर ने 2 गेंदों में 0 रन बनाए और इन्हें एनरिक नॉर्के ने मिचिन मार्श के हाथों कैच आउट कर पवेलियन की राह दिखाई। आपको बता दें कि उसके बाद आज कप्तान नीतीश राणा भी कुछ खासा प्रदर्शन नहीं कर पाए, इन्होंने 7 गेंदों में मात्र 4 रन बनाए और इन्हें ईशान शर्मा ने मुकेश कुमार के हाथों कैच आउट कर पवेलियन की राह दिखाई। उसके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं मनदीप सिंह। मनदीप सिंह ने 11 गेंदों में 12 रन बनाए और इन्हें अक्षर पटेल ने बोल्ड आउट कर पवेलियन की राह दिखाई। दोस्तों आपको बता देंगे उसके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं रिंकू सिंह। रिंकू सिंह ने भी 8 गेंदों में मात्र 6 ही रन बनाए और इनको अक्षर पटेल ने ललित यादव के हाथों कैच आउट कर पवेलियन की राह दिखाई। दोस्तों आज कोलकाता नाइट राइडर्स की बल्लेबाजी तो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है और मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स की ओर झुकता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से ईशान शर्मा ने 1 विकेट अपने नाम किया, मुकेश कुमार ने 1 विकेट अपने नाम किया, एनरिक नॉर्के ने 1 विकेट अपने नाम किया और अक्षर पटेल ने 2 विकेट अपने नाम किए हैं। दोस्तों आज के मुकाबले में कुछ खासा लम्हे भी हुए जिनके बारे में हम आपसे बात करना चाहेंगे। दोस्तों यह वाक्य है 8.1 गेंद का, जहां पर गेंदबाजी कर रहे थे मिचिन मार्श और बल्लेबाजी कर रहे थे जेसन रॉय। दोस्तों आपको बता दें कि जेसन रॉय ने एक शॉट मारने की कोशिश करी, लेकिन गेंद हवा में चली गई। दोस्तों मिचिन मार्श भागते भागते उस गेंद की ओर गए, उन्हें लगा कि वह वो कैच पकड़ लेंगे, लेकिन वह वो कैच नहीं पकड़ पाए और आप विजुअल्स में देख ही रहे होंगे वो कैच ना पकड़ने के कारण वह कितना उदास नजर आ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि उसके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं सुनील नारायण और इन्हें भी ईशांत शर्मा और डेविड वॉर्नर के हाथों कैच आउट कर पवेलियन की राह दिखाते हैं। दोस्तों अंत में आंद्रे रिसल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स को एक विशाल लक्ष्य तक पहुंचाने में बेहतरीन योगदान देने की कोशिश करी, लेकिन उसके चलते कोलकाता नाइट राइडर्स ने 126 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर। जवाब में 127 रन का टारगेट मिला है दिल्ली कैपिटल्स की ओर। दोस्तों जवाब में जब दिल्ली कैपिटल्स की टीम बल्लेबाजी करने आती है तो दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ने आज कप्तानी पारी खेली। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ओपनिंग करने आए डेविड वॉर्नर और पृथ्वी शॉ। दोस्तों पृथ्वी शॉ का बल्ला तो आज भी कुछ खासा प्रदर्शन नहीं कर पाया और इन्होंने 11 गेंदों में मात्र 13 रन ही बनाए। दोस्तों आज कप्तानी पारी खेलते हुए डेविड वॉर्नर ने 139 के स्ट्राइक रेट से अपनी पारी में 11 चौके लगाते हुए 41 गेंदों में 57 रन बनाए। दोस्तों आज का महामुकाबला इतना रोमांचक रहा कि अंत के ओवर में भी अंदाजा लगाना मुश्किल था कि दिल्ली कैपिटल्स जीत हासिल करेगी या कोलकाता नाइट राइडर्स। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 128 का लक्ष्य दिल्ली कैपिटल्स ने बेहद ही संघर्षपूर्ण प्राप्त किया है। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से आज के शूरवीर रहे हैं डेविड वॉर्नर, जिन्होंने 41 गेंदों में 57 रन बनाए, मनीष पांडे जिन्होंने 23 गेंदों में 21 और अंत में अक्षर पटेल की 22 गेंदों में 19 रन की बदौलत दिल्ली कैपिटल ने 4 विकेट से जीत अपने नाम की है। दोस्तों अगर आप भी दिल्ली कैपिटल्स की जीत से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और आईपीएल के आगे के महामुकाबले जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल मीडिया नेशन को।